मानशु का सवाल है कि हमें आज तक यही सिखाया गया है कि श्रम सफलता की कुंजी है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हिमांशु जिन्होंने भी ये बोला बड़े बेवकूफ लोग थे, और दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। हार्ड वर्क से कोई सक्सेस नहीं मिलती। जब छोटा था, सातवीं आठवीं में था, तो मैं भी अपनी कॉपी के ऊपर यही लिखता था। बड़ा समय लगा ये समझने में कि कितनी झूठी बात है ये। एक नया सूत्र देता हूं, इसको पकड़ लो, समझोगे तो पकड़ लोगे ही। एंजॉयमेंट इज द की टू सक्सेस। यू कैन नेवर सक्सीड इन समथिंग दैट यू डू नॉट एंजॉय। और जिस काम में तुम्हें गहरा आनंद मिलता है, सफलता उसके पीछे पीछे चली ही आएगी। तब तुम्हें श्रम करना नहीं पड़ेगा कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप श्रम हो जाएगा। और तुम कहोगे श्रम किया ही नहीं, हम तो खेल रहे थे। खेलने जाते हो मैदान में, कभी कहते हो कि हार्ड वर्क किया, और दिन भर कॉलेज में कुछ ना कर रहे हो, तो बड़ी थकान हो जाती है, बड़ा हार्ड वर्क करते कुछ नहीं हो बड़ा कश्ती के अलावा। सर हमसे तो वो भी नहीं की जाती थी पर बड़ा हार्ड वर्क हो जाता है। हार्ड वर्क से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हर गधा बड़ा हार्ड वर्किंग है। ये जो टट्टू जा रहे होते हैं सीमेंट लाद करके, इनसे ज्यादा हार्ड वर्क तुम कभी नहीं कर पाओगे। उससे ज्यादा हार्ड वर्क कभी कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। और बड़ा सक्सेसफुल है फिर तो तुम्हारी नजर में वो। वैसे ही जीवन हो जाए भगवान ने, घूम रहे हैं सड़क पे धूप में, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये बड़े पागल लोग हैं जिन्होंने इस तरह की बातें कही कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। जीवन में डूबो, जिंदगी बोझ नहीं है, जिंदगी अभिशाप नहीं है। जिंदगी इसलिए नहीं है कि उसमें गधे की तरह श्रम किया जाए। जीवन उत्सव है, आनंद है, पर वो तभी है जब उसमें पूरी तरीके से जाया जाए, प्रवेश किया जाए। और उस प्रवेश का ही नाम है ध्यान, पूरे तरीके से होना। जब खेल रहे हो तो पूरे तरीके से खेलो, हार्डवर्क बिल्कुल नहीं लगेगा। जब पढ़ रहे हो तो किताब से प्रेम ही रहे, फिर हार्डवर्क बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर रात रात भर सवाल लगाते रहोगे, पता भी नहीं चलेगा सुबह कब हो गई, और कहोगे बड़ा मजा आया। हार्डवर्क नहीं कहोगे, वर्क हो रहा होगा पर तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हार्डवर्क है। ये समझ में आ रही है बात? कभी ये अनुभव हुआ है कि इतना रस आया, इतना डूब गए, इतना आनंद आया कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और जिसके साथ ये होने लगे, क्या फिर उसे परीक्षा में नंबर पाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा? जिसे पढ़ाई से प्रेम हो गया, क्या उसे हार्डवर्क करना पड़ेगा? तुम कविता की बात कर रहे थे, एक कवि हार्डवर्क करता है कविता लिखने में, ये उसका आनंद होता है, ये प्रस्फुटन होता है। भीतर कुछ है जो बस सामने आ जाता है। काहे का हार्डवर्क? हाँ हार्डवर्क करता बहुत है याद रखना, पर वो हार्डवर्क बस हो रहा है अपने आप, कोई तुम्हें उसमें जोर लगाना नहीं पड़ रहा है। आ रही बात समझ में? और इसका नाम होता है प्रेम। जीवन प्रेम में जियो। सुन रहे हो, बैठे हुए हो तो प्रेमपूर्ण रहो। मन में एक द्वंद्व ना चलता रहे कि क्यों बैठे हैं, क्या है। इस क्षण से पूरा पूरा प्रेम रहे मन में। पढ़ रहे हो तो उस किताब से एक प्रेमपूर्ण नाता रहे। जहां कहीं भी हो तो जीवन के प्रति एक शिकायत ना रहे। शिकायत में प्रेम नहीं होता। जीवन से एक अपेक्षा ना रहे। अपेक्षा में प्रेम नहीं होता। बस जीवन का संग रहे, जीवन के साथ एक क्लोज कॉन्टैक्ट रहे। जो भी हो रहा है, हाँ हो रहा है, और उसमें उपस्थित है, पूरी उपस्थिति है हमारी, हम हैं, जीवन के साथ हैं, जीवन से कटे कटे नहीं, दूर दूर नहीं, रूठे हुए नहीं कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मैं रूठा हुआ हूँ जिंदगी से। ये रूठा रूठा जीवन कुछ नहीं देता किसी को।